हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी प्रिय पाठ्य पुस्तिका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 4, जिसका शीर्षक है शेख चिल्ली की करामात। तो प्रारंभ करते हैं हम। उपर्युक्त चित्र पुरानी सभ्यता के बारे में दर्शाते हैं, इनसे कुछ पंक्तियां लिखो। बच्चों, यह आप देख रहे हैं, ये देखिए, एक ये है चित्र, एक अकबर और बीरबल की कहानियों का चित्र है और एक है मुल्ला नसरुद्दीन। ये बहुत पुरानी पुरानी जो कथाएं हैं, प्रचलित कथाएं हैं, ये उनके कुछ चित्र हैं। और आपका गृह कार्य क्या होगा, आपको इनके बारे में अपनी दीदी से या अपने बड़े भैया से, उनसे उनकी कुछ कथाएं, कथाओं के बारे में जानना होगा। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही है, साथ ही साथ दूसरों का भी करता है, इसलिए मूर्ख व्यक्ति से हमें बचकर रहना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। शेख चिल्ली कोई काम धाम तो करते नहीं थे, बस वृद्धा माँ जो कुछ कमाती वही खाते और आराम से बटर गश्ती करते थे। माँ से भी अधिक काम नहीं होता था, इसलिए वह भी बैठी बैठी क्या करती थी, क्योंकि माँ उनकी वृद्ध थी, बूढ़ी थी, तो वह भी बैठी बैठी चरखे से सूत काता करती थी और सप्ताह में एक दिन शहर में जाकर बेच आती। जो कुछ मिल जाता उससे माँ बेटे अपना खर्च चलाया करते थे। एक दिन शेख चिल्ली भुने हुए चने खा रहे थे, अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना भुने चनों की खेती की जाए। बस उन्होंने गांव के बाहर एक खेत खरीदकर उसमें भुने हुए चने बो दिए। शेख चिल्ली थे ना, उन्हें समझ तो कुछ आता नहीं था, बस मटर किश्ती करते थे, तो उन्होंने भुने हुए चने खेत में बो दिए। उन चनों में से एक चना कच्चा रह गया था, इसलिए वह उग आया। अब क्या था, शेख चिल्ली दिन रात कंधे पर डंडा लिए उस चने के पौधे की रखवाली करते थे। रात का समय था जब शेख चिल्ली अपने पौधे की रखवाली कर रहे थे, तब उन्हें चार आदमी खेत में आते हुए दिखाई दिए। यह देखते ही शेख चिल्ली का क्रोध भड़क उठा, यानी कि शेख चिल्ली को बहुत गुस्सा आ गया। गरज कर बोले, कौन हो, खेत में क्यों घुसे चले आ रहे हो, इतनी रात कहाँ जा रहे हो। तो फिर क्या हुआ, उनमें से एक आदमी बोला, चोर है। दूसरे आदमी ने कहा, चोरी करने जा रहे हैं, बोलो चलते हो। तो यह सुनकर शेख चिल्ली ने उत्तर दिया, चलने को तो हम अभी चले, लेकिन यहाँ खेत की रखवाली कौन करेगा। शेख चिल्ली था ना, एक पौधे के लिए बोले शेख चिल्ली कि इसकी रखवाली कौन करेगा। दूसरा आदमी हंसकर बोला, अरे तो इसमें आगा पीछे सोचने की क्या बात है, पौधे को साथ ही ले चलो, इसे उखाड़कर अपने साफे में रख लो, मतलब इसको उखाड़कर अपने साफे में रख लो। तो फिर क्या हुआ, यह सुनकर शेख चिल्ली चोरों के साथ चल दिए। उन लोगों ने पास के गांव में एक धनवान बनिए के यहाँ चोरी करने की ठानी। उन्होंने सोचा, इसके हम चोरी करेंगे। चोर किसी तरह बनिए की दुकान में घुस गए, शेख चिल्ली भी उनके पीछे पीछे दुकान के अंदर चले गए। चोर अंधेरे में ही सामान बांधने लगे, शेख चिल्ली ने भी अंधेरे में टटोलते टटोलते एक बोरे में हाथ डाला, एक नारियल उनके हाथ में आ गया। इस चिंता में पड़ गए कि अब इसे फोड़ा कैसे जाए, नारियल तो हाथ में आ गया, अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था इसको कैसे फोड़ा जाए। यह सोचते हुए अचानक उसका हाथ एक गोल चिकनी और किसका हाथ, शेख चिल्ली का हाथ, ठंडी चीज पर जा पड़ा। ये देखो, ये शेख चिल्ली कितना बुद्धू राम है, ये कहां पे नारियल फोड़ रहे हैं, एक आदमी के सर पर। शेख चिल्ली ने उसे पत्थर समझकर जोर से उस पे नारियल दे मारा। नारियल पटकते ही एक जोर से चीख निकली, मार डाला। ये किसकी आवाज थी, यह बनिए की आवाज थी। शेख चिल्ली ने जिस गोल और चिकनी वस्तु को पत्थर समझा था, वह क्या था, वह बनिया का सर था। घर के सब लोग जाग उठे और शेख चिल्ली समेत चारों चोर पकड़े गए। सबने मिलकर शेख चिल्ली और चोरों की
खूब पिटाई की। उसके बाद उन्हें राजा के सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाही शेख चिल्ली को पहले से ही जानते थे कि वह कितने अकलमंद हैं, इसलिए उन्होंने शेख चिल्ली को छोड़ दिया, लेकिन चोरों को 6-6 महीने की सजा दी। तो यह थी हमारी शेख चिल्ली की कहानी, शेख चिल्ली वाला पार्ट। और मैं आशा करती हूँ आपको इस पार्ट से बहुत मनोरंजन हुआ होगा और आपको ये कथा बहुत रोचक लगी होगी। तो अब हम करते हैं कठिन शब्द। वृद्धा, साफे, मटर गश्ती, अकलमंद, क्रोध और ठानी। और अब है शब्दार्थ। मटर गश्ती यानी कि मौज मस्ती, मौज मस्ती में घूमना। समेत यानी साथ और सहित। रखवाली का अर्थ है सुरक्षा। सजा का अर्थ है दंड। क्रोध यानी गुस्सा। अकलमंद बुद्धिमान। साफा यानी पगड़ी। और टटोलना का अर्थ होता है ढूंढना। और अब हमसे क्या पूछा गया है? अब हमसे पूछा है शेख चिल्ली ने किस चीज की खेती की। शेख चिल्ली ने बच्चों किसकी खेती की थी? चने की। शेख चिल्ली किसकी रखवाली करते थे? शेख चिल्ली चने के खेत की रखवाली करते थे, जो उन्होंने चने का पौधा रखा हुआ था। चारों ने कहां पर चोरी करने की ठानी? चारों ने बनिए के घर पर चोरी करने की ठानी। क्या शेख चिल्ली चोरों के साथ गए थे? जी हाँ, शेख चिल्ली भी चोरों के साथ गए थे। और अब हमें क्या करना है? सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है चोर अंधेरे में ही बांधने लगे। चोर अंधेरे में किसको बांधने लगे? सामान को, बनिए को, शेख चिल्ली को, या ये सभी? चोर अंधेरे में सामान को बांधने लगे। चोरी करते समय शेख चिल्ली को क्या मिला? पत्थर, सोना, नारियल या सामान? चोरी करते समय शेख चिल्ली को नारियल मिला। चोर कितने थे? 3, 4, 7 या 5 चोर थे? 4 चोर थे। तो हमने 4 के आगे निशान लगा दिया। और अब हम चलते हैं अगला प्रश्न। हमसे क्या पूछा गया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक दिन शेख चिल्ली हुए चने खा रहे थे। एक दिन शेख चिल्ली कैसे चने खा रहे थे? भुने हुए चने खा रहे थे। शेख चिल्ली किसकी रखवाली कर रहे थे? शेख चिल्ली पौधे की रखवाली। वो तो खाली एक पौधा था, चना का पौधा उगाया था, तो शेख चिल्ली पौधे की रखवाली कर रहे थे। यहां खेत की रखवाली कौन करेगा? यहां खेत की रखवाली कौन करेगा? शेख चिल्ली का क्या भड़क उठा? शेख चिल्ली का क्रोध। शेख चिल्ली का क्रोध भड़क उठा। किस पे भड़का था बच्चों? चोरों पे। इसे उखाड़कर अपने कहां रख लो? इसे उखाड़कर अपने साफे में, यानी जो पगड़ी होती है उसको बोलते हैं साफा। इसको उखाड़कर अपने साफे में रख लो। तो हमने अभी क्या किया बच्चों? हमने किए रिक्त स्थानों की पूर्ति। और अब हमें क्या करना है? हमें सही मिलान करना है। तो हमें सबसे पहले है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली को हम बुलाएंगे मटर गश्ती, क्योंकि शेख चिल्ली बहुत मटर गश्ती करते थे। तो शेख चिल्ली को हमने मटर गश्ती से शेख चिल्ली का मिलान कर दिया। उसके बाद है खेत। खेत किसके थे? खेत को हम करेंगे भुने हुए चने से। और नारियल को करेंगे हम बनिए से। चोर को करेंगे चोरी से। और पेड़ को करेंगे हम कच्चे चने से। कच्चे चने के का पेड़ निकल आया था ना, कच्चे चने का सिर्फ एक कच्चा चना रह गया था और उसी का पेड़ निकल आया था। तो हमने यहाँ पे किया बच्चों, हमने यहाँ पे सही मिलान कर दिया। और अब हम कहाँ, अब हम क्या करेंगे? अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भुने हुए चने खाते हुए शेख चिल्ली के दिमाग में क्या विचार आया? उन्होंने क्या किया? भुने हुए चने जब वो खा रहे थे तो उनको विचार आया क्यों ना मैं चने की खेती करूं। तो उन्होंने अपने चनों को कहां डाल दिया था? उन्होंने चनों को खेत मिट्टी में दबा दिया था। खेत में खेत खरीदा और उन्होंने उसको मिट्टी में डाला था, यानी कि उन्होंने चने में भुने हुए चनों की खेती सोची। शेख चिल्ली ने खेत की ओर आते हुए आदमी को देखकर क्या कहा? शेख चिल्ली ने उन आदमी को देखा तो बोला तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उन्होंने क्रोध से उसको डांटा, उन चारों चोरों को डांटा। चोरों ने शेख चिल्ली के
चने की रखवाली छोड़कर चोरी के लिए किस प्रकार तैयार किया? चोरों ने शेख चिल्ली की बोला कि हम लोग चोर हैं, हम चोरी करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चोरी करने के लिए अगर चाहो तो चल सकते हो, और अगर तुम्हारे कोई पौधे की परेशानी कि तुम पौधे को कहाँ रखोगे तो इसको तुम अपने साफे में रख सकते हो। बनिए की नींद किस प्रकार खुली? बनिए की नींद जब शेख चिल्ली ने वो जो नारियल था बनिए के सिर पर दे मारा तो बनिए की नींद खुल गई। सिपाहियों ने शेख चिल्ली को क्यों छोड़ दिया? सिपाहियों ने शेख चिल्ली को बच्चों इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था शेख चिल्ली कितना अकलमंद है, इसलिए उन्होंने शेख चिल्ली को छोड़ दिया। तो बच्चों इसके साथ ये रोचक पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको इस पाठ को पढ़कर बहुत आनंद आया होगा। अगले पाठ में हम बहुत जल्दी आपके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए आभार।